हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्रमय सलूशन में। आज आप लोग को वर्क एंड टाइम का पार्ट दूसरा वीडियो है। पहला सवाल मेरा है, दो पुरुष एक कार्य को यक्स दिन में कर सकते हैं, लेकिन वाई स्त्री वही कार्य 3 दिन में कर सकती है। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री कार्य का अनुपात कितना है? तो सबसे पहले दो पुरुष, तो हम लिखेंगे दो मैन यक्स दिन में इंटू यक्स दिन में बटे कितना कार्य करते हैं? एक कार्य करते हैं, नीचे एक, ठीक, बराबर वाई स्त्री, तो वाई फीमेल लिखेंगे, इंटू 3 दिन में कितना कार्य करते हैं? एक। तो पूछा है एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष, तो यहाँ लिखेंगे केवल मेल और नीचे आएगा तो केवल फीमेल, एक पुरुष और एक स्त्री बराबर, एक का गुणा करेंगे तो केवल 3 वाई बचेगा यहाँ ऊपर, नीचे यम यहीं रह जाएगा, 2x बचेगा, 2x का नीचे गुणा करेंगे तो केवल 2x बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर, अगला नंबर है ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है? तो ए प्लस बी बराबर 36 दिन, ठीक, बी प्लस सी बराबर 60 दिन, ए प्लस सी बराबर 45 दिन, ठीक, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा ना? इन तीनों का एलसीएम 36, 60, 45, 36, 60, 45 का एलसीएम 180 होगा, ठीक, 36 से 180 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, ठीक, और 60 का 180 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 45 का 180 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, ए ए 2a हो जाएगा, तो मतलब 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 5 12 हो जाएगा ना, 2 1 2 2 6 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक। अब किसका मान निकालना है हमें? सी का, सी का मान निकालना है, तो ए बी 5 है, इसके स्थान पे हम 5 लिख लेंगे, प्लस सी का तो मान निकालना है, बराबर 6, तो सी बराबर 1 बचेगा, घटाने पे इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, सी बराबर 1, ठीक, सी बराबर 1 आ गया। इसको यक्स दिन में करते हैं ना, एक यक्स दिन में करते हैं, सी का मान यक्स बराबर हो जाएगा 180 दिन, केवल 180 ही आंसर होगा आपका, ठीक। अगला नंबर, पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, और क्यू तथा आर 15 दिनों में एवं आर और पी 20 दिन में, तदनुसार अकेला पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू बराबर 12 दिन, और फिर क्यू प्लस आर बराबर 15 दिन, आर प्लस पी बराबर 20 दिन, ठीक। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा, ठीक, इसको 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा,
15 से 60 में भाग देंगे तो 4 बजेगा, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, ठीक। तो हम इसको जोड़ेंगे, हल करेंगे तो 2p 2q 2r करके आएगा, तो p हम बाहर निकाल लेते हैं, तो केवल यहाँ अंदर p प्लस q प्लस r बचेगा, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, ठीक। इसको भाग दे देंगे, 2 6 12, तो हमें पी का मान निकालना है ना, पी का मान निकालना है, क्यू आर का मान रखेंगे, क्यू आर का मान 4 बराबर 6, तो पी प्लस है, पी बराबर कितना हो जाएगा, उधर घटेगा तो 2 केवल बचेगा, तो 2x बराबर 180, नहीं 2x बराबर 60, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 30, x बराबर 30 दिन, x बराबर 30 दिन, 30 दिन ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर, ए तथा बी एक कार्य, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, और ए तथा सी 12 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो, ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं, और बी प्लस सी 6 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी बराबर 12 दिन में कर सकते हैं, इसका भी एलसीएम 60 ही होगा, ठीक। 10 6 60, 6 10 60, 12 5 60, ठीक। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 2 a प्लस b प्लस c बराबर 10 6 16 5 21, ठीक। तो इसको हम हल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर होगा 21/2, 21/2 हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखो, मुझे निकालना है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, 21/2 दिन में, 21/2 दिन में, तो हम इसको लिखेंगे, इधर हम मिटा लेते हैं, इधर हम मिटा लेते हैं, देखो इधर हम मिटा के आपको बताते हैं, तो 21/2, तो 21/2 दिन यक्स दिन में कुल कितना एलसीएम आया था, 60, 60 ना। देखो, 3 7 21, 3 2 6, ठीक। तो 7x/2 बराबर 20 ना, तो 20 दूना उधर 40 हो जाएगा, इसको और हम मिटा लेते हैं, ठीक। तो 20 दूना 7x बराबर 40, यक्स बराबर 40/7, हम इसको लिख सकते हैं, 5 सही
5/7 दिन, ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, यदि ए बी सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो देखो, ए प्लस बी बराबर 28 दिन, तीनों ए प्लस बी प्लस सी 21 दिन, ठीक, 28 और 21 का एलसीएम 84 होगा, ठीक, 28 से 84 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक, 21 से 84 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिया है ना, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 है, तो हमें सी की निकालना है, ए बी बराबर 3, इसके स्थान पे 3 लिखेंगे, 3 प्लस सी बराबर 4, सी की क्षमता आ जाएगी 1, ठीक, सी बराबर आ गया 1, तो एक्स बराबर 84 दिन, एक एक्स लिखो चाहे एक दिन, तो एक तो एक एक्स बराबर 84 दिन, तो एक्स बराबर 84 लिख सकते हैं सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अपने वही कार्य 8 दिन में कर सकता है, तो ए स्वतंत्र रूप से कार्य करे कितने दिन में कर पाएगा, ठीक, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 6 दिन, बी दिया है 8 दिन, ठीक, तो इनका 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे 24, ठीक, 6 चौ 24, 8 3 24, ठीक। तो देखो, बी का मान 4 आया है ना, नहीं, बी का मान 3, बी की क्षमता 3 है और ए प्लस बी की क्षमता 4 है, तो बी का मान यहाँ 3 रखेंगे, देखो ए प्लस बी बराबर इसकी क्षमता 4 है, तो बी के स्थान पे 3 लिखेंगे, ए बराबर 4 में से 3 घट जाएगा, तो ए की क्षमता आ जाएगी 1, ए की क्षमता अगर 1 आ गई तो ए स्वतंत्र रूप से करेगा, तो ए स्वतंत्र रूप से 1x मान लो, तो x बराबर 24 दिन, ए स्वतंत्र रूप से 24 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला नंबर, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी 15 दिन में कर सके, तदनुसार ए वही कार्य कितने दिन में कर पाएगा। देखो, ए प्लस बी बराबर 10 दिन और बी प्लस सी बराबर 12 दिन, ए प्लस सी बराबर 15 दिन, ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम 10, 12, 15 का एलसीएम 60 ही होगा, ठीक, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, ठीक। अब देखो, इन तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी,
तो जोड़ेंगे तो दो सब में आएगा, 2a + 2b + 2c ऐसे करके आएगा, दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल हम लिखेंगे a + b + c बराबर, इसको जोड़ो, 6 4 10 5 15, ठीक। तो a + b + c बराबर हम लिख सकते हैं a + b + c बराबर 15/2, ठीक। देखो ऊपर थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक। तो मुझे a का मान निकालना है, तो b + c = 5 है ना, ऐसा है, इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। देखो b + c = इसके स्थान पे हम लिखेंगे 5, ठीक। तो a बराबर 15/2 माइनस माइनस 5 होगा, ठीक। 2 5 10 हो जाएगा, और a बराबर 15 10, 5/2 बचेगा, ठीक, 5/2 बचेगा। अब देखो इसको मिटा लेते हैं हम, पंद्रह बटे दो, 5/2 आया ना, तो 5/2 x बराबर 60, 5 1 5, 5 2 10 12 हुआ, तो x बराबर 2 का गुणा उधर गुणा करेंगे तो 12 2 24 दिन, 24 दिन ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला नंबर, ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, ए तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार ए वही कार्य कितने दिन में करेगा। सेम नियम वैसे, a + b = 10 दिन और b + c = 12 दिन, तो a + c = 15 दिन, ठीक। तीनों तीनों का एलसीएम कितना होगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो बचेगा a + b + c, 2a 2b 2c करके आएगा, दो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 4 10 5 15, ठीक। तो इसमें पूछा है a का मान पूछा है ना, तो इधर दो गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a + b + c = 15/2, ठीक। अब देखो मुझे a का मान निकालना है, तो b + c का मान 5 है ना, तो हम तो b + c का मान 5 है तो हम लिखेंगे एक की क्षमता निकालेंगे पहले ना अकेले, तो 15/2 माइनस माइनस 5,
ठीक, तो ए बराबर आएगा 10, 2 5 10 केवल 5 बचेगा ना यहाँ घटाने पे, 5/2। ठीक, तो 5/2, तो इसे हम मिटा लेते हैं। तो 5/2 एक्स बराबर 5/2 एक्स बराबर 60। तो 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 12 2 24। ये अकेले वही कार्य 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक, अगला नंबर। ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो यदि वे दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो हम ए लिखेंगे पहले, ए 4 दिन में, बी 6 दिन में। ठीक, और दोनों मिलकर, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, 3 2 5, तो हम लिखेंगे इधर, तो 5x बराबर 12, तो x बराबर 12/5, इसको हम हल करेंगे तो x बराबर 5 2 10, 2/5, मतलब कि 2 सही 2/5 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, खत्म हो गया। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।